तो सामान्य अध्ययन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था। तो जी हाँ, जिस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली पर जिनका शासन था वो थे आपके तुगलक वंश। यहाँ पे तुगलक वंश का शासन था। अगर हम लोग बात करते हैं कि तुगलक वंश का कब तक यहाँ पे शासन रहा, तो ये करीबन आपका 1320 से लेकर के आपका 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर इनका शासन रहा था, किनका? तुगलक वंश का। वहीं अगर हम लोग तैमूर का आक्रमण की बात करते हैं, तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण जो है वो आपका 1398 ईस्वी में किया था। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाले जो है वो है आपके अटार्नी कर्नल। कौन होते हैं? अटार्नी कर्नल होते हैं। चलिए अब इनके बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ना अटार्नी कर्नल को, तो अटार्नी कर्नल को महान्यायवादी कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसादर्पण अपना पद जो है वो ग्रहण करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श भी जो है वो आपका महान्यायवादी जो है वो देते हैं, और यह भारत सरकार का प्रथम विधि कानून भी होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये सारा चीज़ जो है वो आपका महान्यायवादी यानी कि अटार्नी कर्नल के द्वारा किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित थी। तो जी नहीं, ये आपका 1993 से प्रभावित नहीं थी। अगर हम लोग बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का ना, तो ये आपका 1992 द्वारा पंचायती राज्य के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और वहीं इस अधिनियम का प्रभाव जो है वो आपका 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है? 24 अप्रैल 1993 से। 1993 तो है, लेकिन कब का है? 24 अप्रैल का है। वहीं इसका संशोधन कब किया गया? तो वह है आपका 1992 में। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो देखिए, मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाने वाले जो होते हैं वो है आपके ऋणी। इसमें क्या होता है ना कि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति या बोल सकते हो मूल जो है वो पहले से अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसके वजह से जो ऋणी वर्ग के जो लोग होते हैं उनको लाभ होता है, और जो ऋणदाता होते हैं ना लाभ में हानि होती है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास संस्था और उसकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ही ऑप्शन देखते हैं जो है आपका SBI। यहाँ पे दिया हुआ है कि SBI का स्थापना जो है वो आपका 1949 को हुआ था, लेकिन ये कथन गलत है। आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना जो है वो आपका 1 जुलाई 1995 को हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है। तो देखिए, आपका भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग जो है ना वो आपका आयात निर्यात के संदर्भ में किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, किन्हें दिया जाता है? तो जी हाँ, इको मार्क जो है वो भारत के उन उत्पादों को दिया जाता है जो बेसिकली पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुई पंचायती योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना, गलत आंसर है वो आपका है कि 11वें पंचवर्षीय योजना का उप शीर्षक तीव्र धारणीय और अधिक समावेशन विकास था। जी नहीं, ऐसा नहीं था। इसमें क्या था कि तीव्र धारणीय और अधिक समावेशन विकास प्राप्त करना जो है वो आपका 12वें पंचवर्षीय योजना के उप शीर्षक था। ठीक है, ना कि 11वां पंचवर्षीय योजना का अर्थात आपका डी आंसर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे कुछ जोड़े दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें से गलत कौन सा है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी को देख रहे होंगे, तो डी में क्या है कि भारत राज्य की संख्या कितनी है। तो जी हाँ, भारत राज्य की संख्या जो है वो आपकी 28 है। यहाँ पे हमारे भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, 29 नहीं है।
वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर की चयन कीजिए। यहाँ पे आपके पास सूची एक में जो दिया हुआ है उसके अनुसार आपको सूची टू में मैच करना है और इसका सही कूट बताना है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन का ना, तो उष्णकटिबंधीय वन का आपका हो जाएगा साइलेंट वैली, वहीं शंकु वृक्ष जो है शंकु वृक्ष का आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और कच्छ वृक्ष जो है वो आपका हो जाएगा सुंदरवन में, और पतझड़ वन का हो जाएगा आपका राजस्थान। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो आपका सही नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग सबसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है वो आपका ऊंचाई दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो इसे याद रखिए कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो आपका दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक है, ना कि उत्तरी क्षेत्र में। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसे अनाईमुडी जो कि आपका केरल में स्थित है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित नगरों में अकलनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो वो आपका जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है यहाँ पे आपका अकलनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थित है, ठीक है। और इसी स्थल के बाद से इन नदियों को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ फसल दिए हुए हैं और आपको इनमें से बताना है कि इनमें से खरीफ फसल कौन सा है, ठीक है। तो देखिए खरीफ फसल के उदाहरण अगर आप लोग देखिए तो सबसे पहले आपका कपास होता है, मूंग होता है और धान होता है। गेहूं जो है वो आपका रबी फसल के अंदर आता है, ठीक है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक दो और तीन। और कौन कौन से फसल आते हैं आपके खरीफ फसल के अंदर, तो वह है आपके धान आता है, ज्वार आता है। धान तो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, जूट आता है, मूँगफली भी दिया हुआ है इस पर, मूँग भी आता है, तथा तम्बाकू आता है, उड़द आता है, कपास, रागी और आपका सोयाबीन, इस तरह के जितने भी फसल होते हैं ना वो आपके खरीफ फसल के अंदर आते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका सामान्य अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही से चुन करके इसमें टिक करना बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिट्टी दिया हुआ, उसके राज्य दिए हुए हैं कि ये मिट्टी जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे पहले आपका जलोढ़ मृदा दिया हुआ है, तो जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। वहीं काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है वो आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है, लाल मिट्टी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय में जो है वो आपका मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो आपका राजस्थान में पाया जाता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग जेएसएससी सीजीएल के अंदर सामान्य अध्ययन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैच करते हैं। जो क्वेश्चन आपका आ चुका है वो हूबहू रिपीट नहीं होगा, उसका बहुत कम चांस है कि वो क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन जो उसमें फैक्ट निकल के आते हैं, जो उसमें कुछ उसके बेसिक तथ्य निकल के आते हैं, उससे आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादातर चांस होते हैं, जो मैं आपको बेसिक से क्लियर कराते चल रही हूँ। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप संपूर्ण वीडियो को सेट बाय सेट स्टडी कर सकते हैं। तो आप सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी करते रहिए। हम लोग का टारगेट इस मंथ में पूरा का पूरा 10 सेट को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम और आप मिलकर इसे पूरा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।